और मुंबई में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में भक्त अपने बप्पा की मूर्ति के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली मूर्तियों की है। देखिए सौरभ पांडे की रिपोर्ट। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जारी है। ऐसे में सभी भक्त जो है अपने आराध्य की आराधना करने के लिए मार्केट में निकले हैं, ताकि वे अपने फेवरेट बप्पा की खरीदारी कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे ही एक कार्यशाला में और आपको अपने विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है मूर्तियों पर काम जारी है। और सभी जो मूर्तिकार हैं उनका कहना है कि कई तरह की मूर्ति हैं जो डिमांड में है। आइए सीधा बात करते हैं जो कार्यशाला के लोग हैं उन्हीं से। दादा, किस प्रकार की जो गणेश मूर्तियां हैं वो इस बार डिमांड में आई है? साल डिमांड में आई है इको फ्रेंडली मूर्तियां, क्योंकि सरकार के थोड़े सरकार ने कहा है कि इको फ्रेंडली मूर्तियाँ देखो, करने की कोशिश करो। वो प्रकार से लोगों का भी उसके ऊपर ध्यान है, लोग भी नेचर के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ले रहे हैं, और ज़्यादा फोर्स इको फ्रेंडली मूर्ति का ही है जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो भक्त जन है वो भी जो है एक पर्यावरण के हित में सोचकर अब जो है इको फ्रेंडली मूर्तियों का रुख कर रहे हैं, अगर बात की जाए इसके अलावा तो कई सारे गणपतियों की मूर्तियां हैं जिसमें गणपति जी को जो है फेटा पहनाया गया है, जिसमें पेशवा कोली और कई तरह की जो मूर्तियां हैं वो भी देखने को मिली हैं। इसके साथ ही अगर बात करें अन्य रूपों की तो कृष्णा जी के रूप में और बाल जो है बाल गणेश के रूप में भी देखा गया है। खासकर उनके पिता जो है शंकर जी के रूप में भी जो है गणपतियां जो है वो तैयार की जा रही हैं। छोटी गणपतियों के साथ साथ जो है बड़ी गणपतियों की भी डिमांड जो है काफी ज्यादा उभर कर आई है। और जो भी मूर्तिकार है उनका कहना है कि सारी जो डिमांड है वो पूरी तरह से समय पर कर दी जाएंगी और जितने भी मूर्तियां हैं वो लगभग तैयार हैं और बस इंतजार है तो सिर्फ गणेश चतुर्थी का, ताकि बप्पा सही सलामत विराजमान हो सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ सिद्दीकी के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।